इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर ओप्पो साइन इन कैसे, मतलब कि रजिस्टर कैसे कर सकते हैं ओप्पो आईडी के अंदर, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको साइन इन टू योर ओप्पो आईडी पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा न्यू रजिस्टर्ड, तो न्यू रजिस्टर्ड पर आपको जाना है, ठीक है। इस पर हम चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो है टर्म एंड कंडीशंस दिखाएगा आपको, इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा आप सारी की सारी को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको दिखाएगा इसका सबसे पहले रीजंस। आप जो है यहाँ पर इसे इंडिया सिलेक्ट करिएगा, जो भी है आपकी इंडिया और जो भी हो आपकी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी इंडिया है तो हम इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप जो है अपनी सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आप सिलेक्ट करिएगा। अब यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल या फ़ोन नंबर डालते हो। मैं ईमेल यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ जो हमारी ईमेल है, ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं और ये वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन अलग अलग टाइप का आ सकता है, बट हमारा जो है यहाँ पर सिंपल सही है। मैं इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ, ये वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर जो है हमें अपने मेल पर एक वेरिफिकेशन आएगा, उसका हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे, तो ऊपर देखते हैं कि आया नहीं आया, या नहीं आया, इसलिए हम अपने जीमेल को खोलते हैं, ठीक है। यहीं पर ये हमने एक्सेस दे रखा है इसको जीमेल का, और गोट इट पर क्लिक करते हैं, अपनी आईडी को अटैच करते हैं और टेक बी जीमेल। ये आ गया ओप्पो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये रहा हमारा कोड 70 70 95, तो हमारे ऐसे ही याद हो गया। तो हम चलते हैं अब, तो यहाँ पर मैं कोड डाल देता हूँ 70 70 95 एंड नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर पासवर्ड ऑप्शन आ गया, यहाँ पर पासवर्ड का आपको ध्यान रखना है। बेसिकली आपको मतलब ऐसे ही पासवर्ड नहीं डालना, कुछ भी आपने डाल दिया यहाँ पर तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा, वो यहाँ पर आपको गलत मतलब इसी तरीके से दिखाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा ये, ठीक है। तो आपको सही से डालना है बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। तो जैसे कि अब यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। जैसे यहाँ पर ए ले लिया आपने, डबल ए, बड़े बड़े छोटे ए ले लीजिए। एंड फिर यहाँ पर आप गिनती ले लीजिए 5 4, और फिर यहाँ पर आप सिंबल ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ले लेना है। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर बना लेता हूँ और रजिस्टर पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको निक नेम आएगा, मेल लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, और जेंडर पर, और यहाँ पर आपको निक नेम करेक्टर सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेविंग होगा। यहाँ पर अगर ये इस तरीके से दिखाता है तो आप बिल्कुल अलग टाइप का आप डालिएगा, बिल्कुल अलग टाइप से, मतलब यहाँ पर एक भी मिस्टेक मत कर दीजिएगा। तो आपका ये अब भी नहीं आया है तो यहाँ पर गिनती डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसका अकाउंट बनाना, अब ये लग जाएगा और यहाँ पर ये बन चुका है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका अकाउंट बनाने का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।